भारत अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीत लिया। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं इस फाइनल मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उन खिलाड़ियों की जिनकी बदौलत भारत को यह खिताब मिला है। फाइनल मैच में जिस खिलाड़ी ने भारत की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन किया है उसका नाम है राज अंगद बाबा। चंडीगढ़ के रहने वाले राज अंगद बाबा ने बल्ले और गेंद से इस मैच में कमाल का प्रदर्शन किया और मैन ऑफ द मैच के हकदार बने। राज अंगद बाबा ने इस पूरे मैच में 5 विकेट लिए और जब भारत को एक लंबी साझेदारी की जरूरत थी तब निशांत सिंधु के साथ मिलकर एक लंबी साझेदारी की और 35 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है पश्चिम बंगाल से रणजी ट्रॉफी खेलने वाले तेज गेंदबाज रवि कुमार की। रवि कुमार ने इस मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की और अंग्रेजों के 4 विकेट उखाड़ दिए। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है भारत के उपकप्तान शेख रसीद का। आंध्र प्रदेश के रहने वाले शेख रसीद ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी की क्योंकि भारत को शुरुआती झटके अंकित रघुवंशी के रूप में लग चुके थे और हरनूर से भी ज्यादा देर टिक कर नहीं खेल पाए थे, इसलिए सारा दारोमदार उपकप्तान और कप्तान पर आ चुका था। लेकिन कप्तान भी एक लंबी पारी नहीं खेल पाए। वहीं उपकप्तान शेख रसीद ने एक छोर को संभाले रखा और 84 गेंद का सामना कर 50 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत का स्कोर 97 रन पर पहुंचा दिया। इसके बाद जिस महत्वपूर्ण खिलाड़ी का नाम आता है वो है रोहतक के रहने वाले निशांत सिंधु। जब भारत को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी तब निशांत सिंधु ने एक छोर संभाल लिया और अंत तक टिके रहे। अंतोगत बार इन्होंने अर्धशतक लगाया और भारत को जीत दिलाकर ही लौटे। उसके बाद इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है भारत के विकेट कीपर दिनेश बना का। दिनेश बना ने सेल्स की लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का मारकर भारत की जीत निश्चित कर दिया और भारत यहां 4 विकेट से जीतकर 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए राज अंगद बाबा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया।